रमाशीष भाई साहब, आप सुन रहे सारी बातों को बहुत ही गौर से मैं देख रहा हूँ। तो क्या जो जिस अमित शाह को तड़ीपार वो कहते थे, वो अब आपके साथ हैं? जो कांग्रेस के लिए यूजलेस हो चुकी थी जैसा बता रहे हैं द्विजेंद्र त्रिपाठी साहब, वो आपके साथ हैं? जो अब तक टिकट बेचने का काम करती थी वो आपके साथ है? इसका मतलब ये भी उन्होंने कह दिया कि पैसे लेकर टिकट शायद दिया जाता हो कांग्रेस में? मैंने समझता है साहब, ये खुद द्विजेंद्र जी की बात से आभास हो रहा है। ये तो खुन्नस में त्रिपाठी जी आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी है देश की, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से देश को विकास की रफ्तार दिया है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जिस प्रकार का बयान दिया है कि हमारे सैनिकों के साथ खून की दलाली की जा रही है, इस प्रकार के वक्तव्य सुनकर के कांग्रेस में रहने वाले तमाम सारे नेता वो मर्माहत हैं, हतोत्साहित हैं, अवाक रह गए हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, देश के साथ खड़ा दिखना चाहिए था, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा दिखना चाहिए था, वो आज अपने वक्तव्यों से पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा आक्रोश राहुल गांधी के बयान के बाद दिखाई दिया है। और इस तरह से जो लोग भी कांग्रेस में जो कुछ प्रधानमंत्री के कार्यों से प्रभावित हैं, जो देख रहे हैं कि देश को किस तरह से 21वीं सदी में भारत आज दुनिया की बराबरी करने जा रहा है, अमेरिका और चाइना और रूस के बराबर खड़ा हो रहा है, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को सहयोग देना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, भारत को दुनिया में खड़ा करने में जिस प्रकार से केंद्र सरकार काम कर रही है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष के नेता के रूप में जो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है और उपराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका बयान भारत के जो लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के विशेषकर जो नेता हैं उनको शर्मिंदगी हो रही है आज के उनके वक्तव्य से। इसलिए रीता बहुगुणा जोशी कोई सामान्य नेता नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी एक उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण हस्ती है, रीता बहुगुणा जोशी, और उनके मन में, रीता बहुगुणा जोशी के मन में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रही हो, चाहे आज वर्तमान में भी जो वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को सपा और बसपा से मुक्ति मिले। देखिए उनका घर जला दिया गया, मुझे एक बार इस चर्चा में प्रभाव के राज में वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश की बहुत देर तक आपके पास रुका था, इसलिए कि तमाम जो मुद्दे उठाए गए हैं रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से वो उसके जवाब में